भारत के सख्त रुख और रणनीतिक दबाव के आगे आखिरकार चीन को झुकना ही पड़ा। बोफोर्स तोपों की तैनाती के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीनी सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। भारत की चौतरफा रणनीति का असर है कि PLA की टुकड़ियां गलवान नाला इलाके से 2 किलोमीटर पीछे हट गई हैं। साथ ही अन्य जगहों पर चीन ने सैनिक बढ़ाने या आक्रामक रुख अख्तियार करने जैसी कुछ बड़ी गतिविधियां नहीं की हैं। हालांकि पेट्रोल पॉइंट 14, गोगरा पोस्ट और फिंगर 4 के पास अब भी चीनी सैनिक डटे हुए हैं। इससे पहले गैर विवादित गलवान नाला इलाके में चीनी सैनिक काफी आगे तक आ गए थे, जिसके बाद भारत की ओर से करीब 60 बोफोर्स आर्टिलरी गन को लद्दाख के पास भेजा गया है। बता दें कि 5 मई से ही चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए थी। फिलहाल बीते 3-4 दिनों से इलाके में कुछ विशेष हलचल नहीं हुई है। PLA ने उन इलाकों से भी पीछे हटना शुरू कर दिया है जहां उसने पिछले कुछ दिनों में अतिक्रमण किया था। दोनों देशों में विवाद बढ़ने के बाद भारत चीन के दबाव में नहीं आया, चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत जारी रखी। LAC पर चीनी सैन्य क्षमता की बराबरी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सहारा लेना भारत के पक्ष में गया है। अब 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत होगी। अब तक इसको लेकर 10 से ज्यादा दौर की बातचीत हो चुकी है। LAC पर विवाद को लेकर भारत पीछे नहीं हटा। भारत ने LAC पर चीन को जवाब देने के लिए सैनिक बढ़ा दिए। चीन की बराबरी में हथियार, टैंक और युद्धक वाहनों को भी इलाके में तैनात कर दिया गया। इतना ही नहीं, भारत ने संयम के साथ बातचीत का रास्ता भी नहीं छोड़ा। इधर अमेरिका ने इस विवाद में भारत का खुलकर साथ देते हुए चीन की विस्तारवादी नीति की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ताकतवर देशों के G7 का विस्तार कर भारत को शामिल करने के संकेत दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप की फोन पर बातचीत भी हुई, जिसके बाद चीन बौखला गया। उसने चेतावनी दी कि चीन के खिलाफ देश एकजुट ना हो। बता दें कि चीन सीमाई इलाके में भारत के आधारभूत ढांचों के तेज निर्माण से बौखला गया है। चीनी सैनिक भारत की निर्माण गतिविधियों के विरोध में भारतीय सेना के सामने बीते 5 मई से डटे हैं। चीन को भारतीय निर्माण कार्य से तब आपत्ति हुई जब वो खुद LAC से सटे अपने इलाके में तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। चीन चाहता है कि वो अपनी तरफ बुनियादी ढांचा मजबूत कर भारत पर सैन्य बढ़त बनाए रखे। जब भारत ने उसकी इस मंशा पर पानी फेरना शुरू किया तो वो बौखला उठा और युद्ध जैसी नौबत खड़ी कर दी। चीन की एक और विडंबना देखिए, उसके हेलीकॉप्टर गलवान नाला इलाके में भारतीय पेट्रोलिंग लाइन के करीब उड़ान भरने लगे। जब जवाब में भारत ने अपना एयरक्राफ्ट भेजा तो चीन इसका विरोध करने लगा। वहीं इस मामले में अब भारत किसी भी तरह की कोई ढील नहीं छोड़ना चाहता है। इसके लिए NAC के पास भारत ने हवाई पट्टी का निर्माण तेज कर दिया है। यहां अनंतनाग के पास NH-44 पर इमरजेंसी हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में लड़ाकू विमानों या अन्य विमानों को उतारा जा सके, जिसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। चीन के बीच जारी तनाव के कारण 2 दिन पहले ही इस पट्टी का निर्माण शुरू हुआ है। ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं LAC के पास चीन ने भी कई तरह का निर्माण कर लिया है, कई तरह के हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। इस मामले में चीनी सैनिकों ने समझौते का उल्लंघन किया है। 2013 में भारत और चीन के बीच हुए एग्रीमेंट के हिसाब से ग्रे जोन पर किसी भी देश का सैनिक रात नहीं गुजार सकता। दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां रुक नहीं सकते। ग्रे जोन वो एरिया है जहां भारत और चीन के अपने अपने दावे हैं। इसके बावजूद चीनी सैनिकों ने इसका उल्लंघन किया और ग्रे जोन में आकर टेंट लगा दिए। भारत उसे अपना इलाका मानता है और चीन अपना। एक अधिकारी के मुताबिक भारत के सैनिक अभी भी डटे हैं और वो हालात सामान्य होने तक ढील बरतना नहीं चाहते। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।